नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद आजमगढ़ में कंगना रणावत के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार व समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी का विरोध कर पुतला फूंका गया। योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय जी के नेतृत्व में योगी युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विरोध प्रदर्शन कर सड़क पर निकले व पुतला भी फूंका। योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय जी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के तानाशाही रवैया पर नाराज होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। कंगना रणावत के जितनी भी नुकसान हुआ है महाराष्ट्र सरकार तुरंत भरपाई करे। योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय जी ने कहा कि अबू आसिम आजमी कंगना रणावत पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उनके योगी युवा वाहिनी निंदा करती है और माफी मांगने की मांग करती है। अबू आसिम आजमी आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। हम इस बात का बड़ा अफसोस है कि अबू आसिम आजमी आजमगढ़ से हैं और योगी युवा वाहिनी पदाधिकारी यह मांग करते हैं कि अबू आजमी का आजमगढ़ से बहिष्कार किया जाए। पुतला फूकने में योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय, आशुतोष पाठक, कमलेश गौड़, मनीष मौर्य, बबलू मौर्य, शुभम मौर्य, संतोष कुमार आदि योगी युवा वाहिनी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। योगी युवा वाहिनी का मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय, जो कंगना रावत का बिल्डिंग गिराया गया है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंगना रावत के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने पुतला फूका है। हम ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और अबू आसिम जो कंगना रावत के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए थे उसकी माफ़ी मांगे और उद्धव ठाकरे जो बदले की भावना जैसे कार्य कर रही है उसको ना करके अपना राज्य को सही व्यवस्थित से चलाए। अभी वहीं पर उसके पाकिस्तान इब्राहिम का बिल्डिंग है, कई साल पुराने से नहीं गिरा रही है, जिस पर न्यायालय ने फटकार भी लगाई थी। उसने बोला कि इसका जो है कि हमारे पास अभी कोरोना काल में इसके स्टाफ नहीं है, हमारे पास इस वजह से नहीं गिरा जा रहा है और 24 घंटे में कंगना रावत का बिल्डिंग गिराने के लिए कहाँ से उनके पास स्टाफ आ गए। क्या वजह इतना आप लोग समर्थन कंगना रावत का कर रहे हैं? कंगना रावत देश प्रेमी है और देशभक्ति है, इसका विरोध किया कर रहा है महाराष्ट्र सरकार। इसके विपक्ष में हम लोगों ने सबके पूरे प्रदेश से कंगना रावत के पक्ष में सभी लोग खड़े हैं, सभी संगठन। आजमगढ़ के रहने वाले अबू आसिम उनका भी पुतला दहन किया, उनका भी पुतला दहन किया है क्योंकि कंगना रावत के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। और पुतला ही नहीं, हम तो आजमगढ़ वासियों से यही मांग करते हैं कि सभी आजमगढ़ वासी एकत्रित होकर अबू आसिम का आजमगढ़ से बहिष्कार करें। मारा